अभी हम जा रहे हैं मम्मी के रूम में, अब हम ढूंढ रहे हैं कि मम्मी का रूम था कहाँ। तो हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है, अभी हमें ड्रॉप कर रहे हैं, फिर वहाँ से दूसरा कार आएगा तो वहाँ से हमको बोट पर लेके जाएंगे। अभी यहाँ पर चेक इन करना पड़ेगा। तो इन लोग यहाँ पर स्टिकर दे रहे हैं जो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है तो जिनके पास ये स्टिकर है वही इस बोट पे चढ़ सकते हैं। Let's go. बीच के पास ही हमारा होटल है तो हम वॉकिंग जा रहे हैं और दोनों साइड से लाइन बाय लाइन शॉप्स है आपको बीच में पहनने के लिए या यहाँ पर घूमने के लिए कुछ अगर लेना है तो आप ले सकते हो। ये देखिए तो ये रहा हमारा जो रिसॉर्ट है इसका पूल। अभी हम जा रहे हैं सीधा रिसेप्शन में। तो ये रहा यहाँ का रिसेप्शन। ये यहाँ पर मेरा भाई और माँ रुकने वाली है और पीछे देखिए बालकनी है जो मैंने दिखाया और हमारा जो रूम है वो है विला। तो लेट्स गो टू द आवर रूम। हम जो फीफी में रुके हैं हमारा रिसोर्ट का नाम है पीपी प्रिंसेस रिसोर्ट।
रूम में आ चुकी हूँ, मैं रेडी भी हो गई हूँ। ये है मेरा ड्रेस जो मैं पहन के जाने वाली हूँ अभी बीच पे। हम फिफी आइलैंड में 2 दिन हैं, तो आज फर्स्ट डे है यहाँ पर। तो अभी बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा लंच वंच करेंगे, बिकॉज हमें लगा था कि हम ब्रेकफास्ट तो ऑलरेडी करके आए हैं तो भूख नहीं लगेगी, लेकिन ठीक है खा लेंगे। यहीं पे आसपास छोटे छोटे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए। अभी हम जा रहे हैं मम्मी के रूम में। अब हम ढूंढ रहे हैं कि मम्मी का रूम था कहाँ। सो गाइस, ये रहा फीफी बीच। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे फेमस आइलैंड है। मैं अभी नाम मुझे याद नहीं है, वो तो जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आप लोग को बताऊँगी। और यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं सीज़न में। हम लोग अभी तो सीज़न नहीं है, हम लोग ऑफ सीज़न आए हैं तो थोड़ा पब्लिक कम है। अदरवाइज सीज़न टाइम तो पब्लिक चकाचक भरे रहते हैं यहाँ पर। अभी हम खाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, पता नहीं हम लेट तो नहीं हो गए लंच के लिए। सब क्लोज दिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ के जो मार्केट है वो सब ओपन है। आप फ्रूट्स खा सकते हो अभी, बट हमको चाहिए प्रॉपर लंच। लेट्स सी। हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, ज़रा इंक्वायरी करनी है। सो गाइस, हमने डिसाइड कर लिया है हम सुबह निकलेंगे। जो 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 प्लेसेस है, एक ही आइलैंड में 5 प्लेस है तो वहाँ हम जाएंगे। तो उसके लिए ये लोग ले रहे हैं 2,500 baht। तो अभी बुकिंग कर रहे हैं तो वो स्लिप देंगे, तो फिर कल आके स्लिप दिखा के हमको निकलना है। कहना था कि हाई टाइड है, हाई टाइड होता हो सकता है तो थोड़ा जल्दी प्लान करो, लेकिन प्रॉब्लम है कि हम सोएंगे कब, उठेंगे कब, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि 9 o'clock हम निकलेंगे यहाँ से। हम आ गए हैं, ATM है यहाँ पर, तो मेरी सिस्टर ट्राई कर रही है कैश निकालने की। सो फाइनली मेरी बहन ने कर लिया, पर ट्रांजेक्शन 220 baht कटता है अगर आप कार्ड यूज़ कर रहे हो तो वही हुआ है। अच्छा, वैसे तो आइसक्रीम मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन अभी मन कर रहा है थोड़ा सा आइसक्रीम खाने का, तो मेरा भाई गया है। मम्मी वाला? हाँ ना, मम्मी पर अच्छा है। अनाज को खाऊंगी। अनाज को भी खाएगी? ले सकता है। अच्छा, अभी हम रूम में आए हैं फ्रेशन अप होने के लिए। थोड़ा सा फ्रेशन अप होके हम जा रहे हैं सीधा पूल। वो ऊपर आ गए थे। अरे मेरे को दिखा ही नहीं किधर है। दिखाई नहीं। मैं आई क्या नहीं? शूट वूट सब करके अभी जस्ट शावर ली मैंने। अभी बज रहे हैं 9:15। अभी तैयार हो गए।
रेस्टोरेंट वगैरह बंद ना हो जाए, तो हम अभी जाने वाले खाने के लिए। खाना खाने के बाद रूम में आके थोड़ा गपशप मारेंगे, फिर सो जाएंगे। फिर कल सुबह उठ के, जैसे मैंने कहा था कि कल हमको एक्टिविटीज़ करने जाना है, अलग अलग जो आइलैंड है उसमें जाना है, तो इसलिए चलते सीधा डिनर करने के लिए। गाइस ये देखिए, ये स्क्विड्स है, प्रॉन्स है, और ये क्या है, क्रैब है, नहीं सैल्मन नहीं, और ये देखिए ये फिश है। तो मेरे भाई को बर्गर किंग जाना है, उसको बर्गर खाना है। चलो बहुत लेट लंच किए थे, तो इसलिए पेट में भूख नहीं है ज़्यादा, तो हमने सोचा कि ये भोजन वगैरह ले लेते। तो अभी हम सीधा जा रहे हैं रूम में, खा पी के सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह हमको जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट करना है और फिर निकलना है। तो हम सीधा मिलते कल ब्रेकफास्ट पे। सो टिल देन गुड नाइट, सी यू टुमारो।